बार में हमारा बेटा बेटी ऐसे दुखी और गोकुल धाम में दुखी तो घर में सातों जीवन दुखी। बोलो राधे राधे। आज भी बोले के देखो और एक बाला योगी और द्वार हमारे आया है, अंग भभूत गले मग चाला और गले में शेष नाग लटकाया है। बाबा आपके नार में सांप है, बिच्छू है, शमशान की भभूत है, रुंड मुंड की माला है। मैं 60 साल की अवस्था में आपके रूप को देख के डरती हूँ तो हमारा कृष्ण और हमारा कन्हैया अभी कैसा है, छोटा है, वो तो आपके रूप को देखेगा तो हमारा लाला डर जाएगा। हम बाबा आपको अपने लाला का दर्शन नहीं कर ले। बिछा लिखली नंदरानी मोतियन धार सजाया है और ले रे बाबा अपनी बिच्छा, तेने मेरा सोता लाल जगाया है। हीरा जवारा सोना चांदी धन दौलत माया जो भी बाबा तुझे चाहिए वो लेकर के चले जाइए, पर अपने लाला का आपको दर्शन नहीं करें। भोलेनाथ ने मना कर दिया कि ना चाहिए तेरी मुगा मोती और ना चाहिए तेरी धन माया, अपने कानूड़ा का दर्शन करा, किस कारण योगी कैलाश को छोड़ के गोकुल आया। हीरा जवाहरात के लिए नहीं आया, मैं तो तेरे कन्हैया के लिए आया हूँ, दर्शन करा दे यहाँ से चले जाओ। तो गोकुल में 3 हट पड़े, स्त्री हट, योगी हट और बाल हट। कितने हट पड़े? 3 हट। मेरा हट पड़ा यशोदा मैया का। यशोदा मैया कहने लगी बाबा आपको दर्शन नहीं करें। दूसरा हट पड़ा योगी का। भोलेनाथ कहने लगे या 3 दिन क्या, या 3 साल भी हो जाए तो मैं बिना तेरे लाला के दर्शन करे बिना यहाँ से नहीं जाऊँ। और तीसरा हट पड़ा भगवान का। आप गोकुल में बैठे हो पैसे के बल से के भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान की अगर कृपा नहीं होती तो आप यहाँ नहीं बैठती। भगवान ने हमको बुलाया उंगली पकड़ के, जब भी हम लोग यहाँ बैठे हमारे ऊपर माता पिता का पुण्य उदय हुआ जब हम लोग यहाँ बैठे। बाकी हर भक्त के पास भगवान के लिए बैठने के लिए समय, बाकी मॉल में जाएंगे तो 3 घंटे बैठे रहेंगे लेकिन भगवान के लिए नहीं बैठते। बोलो राधे राधे। यहाँ आने का सबसे बड़ा महत्व क्या है? भगवान का झूला झुलाना, जो मैंने आपको रमण रेती में बताया। पहला तो भगवान का झूला झुलाते हैं और दूसरा ये भगवान को भोग लगा के 84 घम्मे की परिक्रमा करती है। भोग जो लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? अपने घर में। बोलो कहाँ लगाते हैं? पर यहाँ जो लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं अटका भोग। ऐसा अटका भोग हिंदुस्तान में 3 ही जगह लगता है। आप गए होंगे या सुना होगा जगन्नाथ में भगवान ने वहाँ भात खाया, तो एक जगह भगवान को जगन्नाथ में दाल चावल खिचड़ी का अटका दिया जाता है। लेकिन हमारे घर में चावल एकादशी को नहीं खाते हैं, वहाँ 7 मट्टी के मटके रहते हैं, उसमें 3 गुना पानी और 1 गुना चावल डालते हैं। नीचे से आग लगाओ तो 6 मटके में चावल नहीं बनता है, जो लास्ट मटका है उसमें चावल पकता है। तो आज भी भगवान को दाल चावल खिचड़ी का भोग लगता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की पहला चमत्कार। और दूसरा चमत्कार क्या है? हवा इधर का चलेगा तो झंडा इधर ले लेगा और इधर का चलेगा तो झंडा इधर ले। आज भी झंडा उसका उल्टा लेता है। बोलो कृष्ण भगवान की। तो भगवान ने वहां जगन्नाथ में क्या खाया? भात। तो वहां दाल चावल खिचड़ी का अटका दिया जाए। कभी आप जाओगे बद्रीनाथ में, 1.25 लाख पहाड़ है, आप अगर यात्रा करने जाओ तो 1.25 लाख पहाड़ों का यात्रा करोगे? बोलो 1.25 लाख पहाड़ों का यात्रा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रज में आप आई हो तो पूरे ब्रज का ही दर्शन नहीं कर रहे, क्योंकि ब्रज में अगर 1 महीने का समय लेके आओ तो वो भी कम है। बोलो कृष्ण भगवान की। तो आज भी यहाँ गोकुल में 84 कोस का लाभ लेने का विशेष महत्व है। वो क्यों है? के वदा लोगों ने अपना घेरमा परवार में नाम सुना होगा शर्मन कुमार का। बोलो सुना है? नहीं। शर्मन कुमार ने अपने अंधे माता पिता ने अपना कंधे ऊपर बिठा के हिंदू धर्म में कितना धाम बोला जाए? 4 धाम, सत्तपुरी, 68 तीरथ और 84 कोस। ये यात्रा किसने कराई? केवल शर्मन कुमार ने, बाकी किसी बेटा बेटी ने अपने माता पिता को यात्रा नहीं कराई। शर्मन कुमार ने जब अपने माता पिता को यात्रा कराई तो एक बार भगवान कृष्ण के माता पिता कहने लगे, क्योंकि जब भगवान ने जन्म लेके आए तो भादों का महीना था, 60 साल की अवस्था थी नंद यशोदा की, कहने लगे कि हे कृष्ण हमको ब्रज 84 कोस का एक बार पैदल पैदल यात्रा कराओ। तो
तो भगवान कृष्ण कहने लगे, माता पिता आप पैदल पैदल अपने यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि 84 कोस की यात्रा करने में 40 दिन का समय लगता है और मैं कौन हूँ बालक। आप अगर मेरे से कहो तो मैं अपने कंधे पर बिठाल के आपको 4 धाम की यात्रा नहीं करा सकूं। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो अपने माता पिता को आसानी से 84 कोस में यात्रा करा सकते थे, पर लेकिन भगवान ने क्यों नहीं कराई कि आगे कौन सा युग आएगा? कलयुग। कलयुग जब आएगा तो डीकरा डीकरी होगा, तो वो शर्मन कुमार नहीं होगा। आज भी डीकरा डीकरी जन्म लेता है तो हर बेटा बेटी अपने माता पिता को 84 कोस यात्रा नहीं करा पाता। तो आज भी गोकुल में नंद यशोदा से कृष्ण ने क्या कहा कि अगर आपको माता पिता 84 कोस का यात्रा भरवाना है तो यह 84 खम्भे निर्माण कराए। तो भगवान ने कारीगर हटा विश्वकर्मा, एक रात्रि में 80 धाम का निर्माण किया और 4 धामला ब्रह्मा जी लेने आया ब्रह्मलोक से, वो 4 युग का लेके आया। पहला युग आया सतयुग, सतयुग में अवतार किसका हुआ? भोलेनाथ का। बीजा युग आया त्रेता युग, दूसरा तीसरा द्वापर युग और चौथा युग है कलयुग। ये 4 युग ना हमला अंदर लगाए, उनको भेटने से 84 कोस यात्रा करने का फल उनको प्राप्ति होता है। बोलो लड्डू गोपाल की। लेकिन गोकुल में आते यहाँ भगवान का झूला झुलाते, भगवान का चरण छीते और यहाँ का व्रत अपने घर में बनाते। कौन सा बनाते हैं? जन्माष्टमी। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, उसके निमित्त में एक जगह यहाँ भगवान को यशोदा मैया के घर में माकर साकर का अठार भोग लगता है। किस नाम से लगता है? अटका नाम से। अटका क्या होता है कि जीवन में इंसान 2 बार अटकता है। पहला कहाँ अटकता है? माँ के गर्भ में। हे प्रभु इस नरक से बाहर निकालो, जब धरती पर आऊं भजन करूं पूजा करूं पाठ करूं माता पिता की सेवा करूं, और जब धरती पर आता है तो सब भूल जाता है। बोलो राधे राधे। और दूसरा, ये शरीर को छोड़ के जब जाता है तो 6 नदी पार करता है, 7वां नदी आता है बैतरणी नदी, जिसको बोलता है भव सागर। उसको पार कराने वाला कौन है? गौ माता। पूछ पकड़ के बैतरणी नदी को पार कराती है गाय। अंत काल में भव सागर से पार कराने वाली गौ माता होती है। बोलो गौ माता की। इसके लिए हम लोग अपने घर में सबसे पहला रोटी किसके लिए निकालते हैं? गाय के लिए। लेकिन हमारा तुम्हारा घेरमा तो निकाले, तीरथ को छोड़ करके गांव को छोड़ के शहरों में जाओ विदेशों में जाओ, वो आपको गाय देखने के लिए नहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा? क्या मिलेगा? डॉगी मिलेगा। मिलेगा नहीं? बोलो राधे राधे। गाय तो डोलती है बाहर और डॉगी सोता है बेड पे। बोलो राधे राधे। ये कलयुग का लेख है। गाय का सेवा हर वक्त नहीं कर पाता है, अंत काल में गाय भवसागर से पार कराती है। लेकिन जो जानता है वही माने और जो जाने नहीं वो नहीं माने। माता पिता जब घर में भोजन बनाते हैं तो सबसे पहला चंदिया किसके लिए निकालते हैं? गौ माता के लिए। तो ये गोकुल गांव, पहले ये गांव का नाम क्या बोला जाता था? नंद गांव। बिंदा वंशो वन नहीं और नंद गांव सो गांव और बंसी वर्षो भट नहीं, जो कृष्ण नाम सुना। आज भी ये गांव का नाम पहले बोला गया नंद गांव। आप बैठ जाओ माता जी, कब तक खड़ी रहोगी आप? आपसे ही बोल रहा हूँ। कहा जान दो, कहा जान दो है? और ये किसके लिए बैठे सब? नंबर से भगवान का दर्शन करेंगे, बैठ जाओ पीछे ही। तो बैठ जाओ ना पीछे, आगे कह रही हूँ वहीं बैठ जाओ नंबर लगा के। बोलो राधा रानी की, यशोदा मैया की, मोर मुकुट वंशी वाले की। मंदिर में जब भगवान का दर्शन करो, नंद बाबा ना दर्शन करो, तो अपना पिताजी ना चरणों में ध्यान रखो। यशोदा मैया ना दर्शन करो तो अपने माता के चरणों में ध्यान करना। और जब यहाँ ब्रज के राजा बलदाव जी ने दर्शन करो तो पूरी ब्रज यात्रा ने साक्षी लेवानी कि हम गोकुल मथुरा वृंदावन नंदगांव वर्सला यात्रा करवाए। हाँ।
हमारी यात्रा ने साक्षी कर दो। ये ब्रजना राजा बलदाऊ जी हमारी ब्रज यात्रा ने साक्षी करे। बोलो बलदाऊ जी महाराज की। लेकिन गोकुल में आने का विशेष फल है भगवान को भोग धराना। भोग भगवान को तीन जाति नो लागे, राजभोग, मंगल भोग, निरातम भोग। जो भगवान ने राजभोग धरावे एमा चार गाय, चार संत, चार ब्रजवासियों ने भोजन, हमारा माता पिता, हमारा पत्नी ना माता पिता ना नाम थी पड़े। हम तो शरीर थी नहीं रहे पर हमारा नाम गोकुल में जन्म जन्म तक बास हो जाए तो उसके पूरे परिवार का नाम ऐसा भले कलर के पत्थर में आता है। आज शरीर से तो नहीं है पर आज लोग अपना नाम से अमर हो जाए, चलेंगे गोकुल धाम और जमा करेंगे अपने माता पिता ना नाम। बीजा भोग लगावे भगवान ने आदि किलो का, बोले मंगल भोग, मंगल मुखी ने हमारा परिवार सदा रह सुखी। मंगल भोग में बे गाय, बे संत, बे ब्रजवासी ब्राह्मणों में भोजन मिले, एमा छोटी तकती मा नाम आवे। और सबसे छोटा भगवान ने भोग धरावे एक पाव का। भगवान ने हमारा घर मा, हमारा परिवार मा एक पाव से कम खाने को अन्न नहीं दिया। आज गोकुल मथुरा वृंदावन की साक्षी में एक यज्ञ माखन मिश्री का भगवान को भोग लगे। बोलो कृष्ण भगवान की। सबसे बड़ा है भगवान का नाम, या भगवान का नाम लो घर का 1000 नाम और भगवान की भूमि पर आकर के एक नाम तो एक समान फल मिले। बोलो कृष्ण भगवान की। बलदाऊ जी महाराज की तो ठाकुर जी का आगे आगे भजन मैं बोलूं, पीछे पीछे आप बोलना। बोलो लड्डू गोपाल की।
पड़ता है। आपके पीछे दूसरा भी भक्त आएगा, उसको भी मर्यादा का
पालन करना पड़ेगा। बोलो कृष्ण भगवान की। ये सब झूला झुलाने के लिए आगे बढ़ रहा है, 3 मिनट में लिख लेगा इनका नंबर है, इनके बाद में